बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिला प्रखंड बथनाहा पंचायत रुपौली रुपहरा गांव रुपौली मुसहरी टोल। यहां 350 वृद्ध को 10 महीना से वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही थी, जिस कारण इन लोगों को काफ़ी हालत खराब थी। इन लोगों ने कई बार कोशिश की थी, लेकिन इनकी बातों को आजकल करके टाला जा रहा था। इस समस्या पर मैंने 1.5 महीना पूर्व वीडियो बनाई थी। देखते हैं कम सुझता है और खाने पीने में, लत्ता कपड़ा में, सब में दिक्कत है। अभी आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि यही चीज़ जो हम लोग को पैसा मिल जाएगा ना, इतना जैसे बाकी पैसा अभी मिल जाएगा तो अभी कुछ काम होगा। क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा, रबी तो गेहूँ चुनेंगे। अच्छा, खाने के लिए आप गेहूँ खरीदेंगे? लेकर मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलने गई, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है 15 दिन के बाद हमने बटवा देंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो चीजें हैं, जिसको सीधा लाभ मिलता है, कैश के रूप में मिलता है, इस तरह की चीजें, वो बहुत इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट का भी फोकस एरिया होता है वो, और हमारे भी काम का वो चीज़ जो गवर्नमेंट का फोकस रहता है, हमारा मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सबसे प्राइम फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हमने उनसे फोन से बात किए तो उन्होंने 15-20 दिन के बाद उन लोगों को पेंशन बंटवा दिए है। मुझे बहुत कोशिश करने के बाद इन लोगों को पेंशन मिल गई है। केना मिल रही, अब अपने प्रयास से भी कब मिल रही है। अहाँ के पेंशन मिलावे के लिए कहाँ कहाँ जाए के पड़ल? ब्लॉक में गे रही, ब्लॉक में ना भेट भेरी। अगर काम न होल रहती है तब की लेट होल रहती है? केना मिलती पेंशन, कितने लेट लगती है? बहुत की भोज के बारे कही चाहिए तो भोज के बारे हुई। तो अपने पेंशन मिलला के बाद चाचा जी खुश छी ना? जी खुश। चलिए दुलरिया देवी सांसद। अब हमको इतना दिन से रुका था मेरे माँ का पेंशन, मेरे माँ का पेंशन भी मिल गया, उसको साथ साथ मैंने पूरे पंचायत को मिल गया, वो भी वही पर मैं खुश हूँ। जो आदमी में मैं ब्लॉक में गया, दौड़ धूप किया, दौड़ बढ़ा किसके माध्यम से किए? ये लोग पेंशन पाकर बहुत खुश है और इसलिए मैं भी इनके साथ खुश हूँ। मुझे मौका मिला तो मैं इसी तरह अपने समुदाय के सब लोगों को समस्या को इस कैमरे के द्वारा मैं दूर करती रहूँ। मैं गुड्डी, जिला सीतामढ़ी, बिहार, इंडिया, अनहद।